gama bane ne zane ba ma gama ba ma 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 da ni da ni da ga नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरजे मनी और आप सुन रहे रेडियो मनपसंद 24 घंटे सातों दिन तड़का लगाकर। जी हाँ दोस्तों, पहले तो सबसे पहले सब श्रोताओं को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, वी हैव वेलकम 2023 और आप सबका 2023 बहुत ही अच्छा रहे, शुभ रहे और स्वस्थ रहे। जी हाँ दोस्तों, तो आज है हमारा पहला एपिसोड 2023 का, तो सबका बहुत 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 स्वागत करते हैं और मैं हूँ आपके साथ आरजे बनी। और आज हम बात करेंगे बहुत सारी जो हलचल हुई है अभी लास्ट एक हफ्ते में, बहुत सारी पार्टीज थी, बहुत सारा फन किया है और आगे भी बहुत सारा फन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, मैं आपको अपने को पायलट से मिलवाती हूँ। जी हाँ, मेरे साथ हैं आज स्टूडियो में आरजे मनीष, वेलकम। गुड इवनिंग सलाम नमस्ते और शुभ संध्या अगर हिंदी में बोले तो। जी हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, आरजे मनी आ गई है, आप पहली बार आई है मेरे नव वर्ष में मेरा तीन दिन आपको लगा ऑन एयर आने के लिए, लेकिन अच्छा था। आप अभी लग रहा नशे में है, जो न्यू ईयर पार्टी का जो नशा 4-5 बजे तक चला था तो वो शायद अभी उतरा नहीं है। अभी भी आप, मैं देख रहा हूँ, ओंग रही हैं, योनिंग कर रही हैं, बीच बीच में कुछ गड़बड़ कर रही हैं पैनल के साथ। जी बिल्कुल, वो जो नशा है, जो नव वर्ष का नशा है, वो तो चाहती हूँ कि सारा साल ऐसे ही चढ़ा रहे और सबको चढ़ा रहे, मुझे नहीं सबको। अच्छा। हर दिन आप नए दिन नए साल की तरह मनाइए। क्या बात, हर दिन जियो तो ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। यार जी, मनी सब गुरु मनी बन गई हैं। बिल्कुल वो सद्गुरु से सीख रही हूँ। मैं साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। जी जी, जो मेरे साथ को पायलट सीट पे बैठे हैं मेरे सद्गुरु, मैं उनसे सीख रही हूँ। जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Love जी बिल्कुल जिंदगी। Exactly. So, आज हम नए साल की शुरुआत आज हम नए साल की शुरुआत ऐसे पॉजिटिव गानों से, पॉजिटिव वाइब से करेंगे। अच्छा। जरूर, लेकिन उससे पहले आजकल पॉजिटिव वर्ड भी नेगेटिव होता जा रहा है। अब नहीं, आजकल मैं ये कहती हूँ कि आज लास्ट 2 साल से नेगेटिव इज द न्यू पॉजिटिव। क्या बात है। Yes. क्या बात है, अब आगे ज्ञान के चक्षु नयन खुल रहे हैं आज। Exactly. 2023 आपके लिए वैसे किक कर गया, मेरे दिमाग कर गया, किक मिला है। तो न्यू पॉजिटिव इज नेगेटिव, लेकिन हमारी जिंदगी पॉजिटिव ही रहे, किसी की जिंदगी नेगेटिव ना हो। और शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि कैनबरा में क्या हो रहा है। गर्मी, बहुत मजेदार गर्मी पड़ रही है। मुझे लग रहा है 2-3 साल में पहली बार ऐसी गर्मी देखने को मिली है। 33-35 तक जा रहा है टेम्परेचर इस समय। आज वैसे थंडरस्टॉर्म्स के चांसेस थे, लेकिन बाईपास हो गया। हाँ, पता नहीं किधर गए बादल, उड़ गए। लेकिन मौसम ठंडा, वो गाना याद आ रहा है उस मूवी का, लगान का। अच्छा, बर्स नहीं, वो क्या था गाना था लगान मूवी का, मैं भूल गई। मेघा के ऊपर था कुछ था। हाँ चलो, मैं गुरु का गा लेती हूँ, बरसो रे मेघा बरसो। लगान घनन घनन गिर गिर आए बदरा। हाँ वो गाना याद है कि वो भी बेचारे वेट कर रहे थे और बादल कहीं से कहीं चले गए। तो आज आपने देखा 33 आज दिखाया, लेकिन कल से कितना है, 23 डिग्री होने जा रहा है। हाँ तो चलो, वेदर ड्रॉप होगा, थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है। एंटार्क्टिका वाली विंड्स, एंटार्क्टिका वाले जो कहते हैं हवाएं आएंगी, तो कैनबरा ठंडा होने चाहते हैं, थोड़ा ठंडा हो क्योंकि अभी तो बहुत गर्मी हो रखी है। लेकिन हम और गर्मी आज तैयार करेंगे शाम को। सात से आठ बजे आप होते हैं आरजे मनी और मनीष के साथ, और हम माहौल को और गर्माने आए हैं। वाह, क्या बात, नए साल की पार्टी की बात हुई। जैसे लोग वैसे ही गर्मी से परेशान है, आप और थोड़ा सा हॉट एंड हैपनिंग करने वाली। यस, मैं गर्मी नहीं दे रही, हॉट एंड हैपनिंग बनाने वाली हूं। मतलब जो 31st ईव का जो नशा है अभी उतरा नहीं है, तो चलिए एक नशे में है तो मैं तो बदहोश हो गया हूँ। बिल्कुल, और आपकी पार्टी में मैं भी था, और आरजे मनीष तो अपने कैमरा के साथ थे, आपने तो पूरा FB लाइव किया वहाँ पे और फुल ऑन मस्ती किया आपने, पूरी मस्ती की। मैं देख रहा था कि यंगस्टर्स के साथ रह के मैं भी खुद
थोड़ा सा जवानी वापस आई, मुझे भी यंगस्टर्स के साथ रह के अच्छा लगा, थोड़ा यंग फील होता है। आप तो आप कहाँ हैं? मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ स्टूडियो में हूँ। सो दोस्तों, बात हुई पार्टी की, तो चलो जैसे इन्होंने कहा कि मैं अभी उसी नशे में हूँ, अच्छा। मैं रहना चाहती हूँ नए साल के नशे में, तो आपके लिए एक नशीला गाना, नशीला। और हम बात कर रहे हैं टॉप 20 बॉलीवुड सॉन्ग्स ऑफ 2022, भले हम 2023 में आ गए लेकिन 2022 को बोले, 22 को हम थोड़ा अभी भी वो वर्डिक्ट दे रहे हैं क्योंकि गाने इतने मशहूर है। अभी खाली बस पठान मूवी के गाने हिट हो रहे हैं जिसमें बेशरम रंग है और मैं हूँ पठान जी, पठान मेरी जान, टेन टेन टेन, ये अलग तो ये गाने आए, लेकिन जो 2022 का नशा अभी गया नहीं है, वो अभी नशा हम तो इस हफ्ते भी रहेगा और अगले हफ्ते भी रहेगा। और आप अगर ज्वाइन करना चाहें, बताना चाहें कि आपके हिसाब से कौन सा सबसे टॉप सॉन्ग ऑफ 2022 रहा है, या एक्ट्रेस या एक्टर रहा है, या कौन सी मूवी आपको बहुत ही बेहद पसंद आई और उसको बार बार आप रिपीट मोड पर देख रहे हैं, तो जरूर जैसे हमें हमने बताइए। बात की थी ब्रह्मास्त्र तो सबसे टॉप पर है ही, जो काफी लोग को बड़ी पसंद आई, शिवा 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 तो ये हमारी आलिया भट्ट आ गई है। जी आरजे आलिया आ गई है, शिवा शिवा को ढूंढते हुए मैं आ गई हूँ शिवा। तो अभी हम 22 के नशे से 22 के नशे से बाहर आए नहीं है और 23 का नशा हमें चढ़ गया, तो इसी बात पे हम इस नशे को कंटिन्यू करते हैं। आप सबके लिए सुनते रहिए रेडियो मन पसंद 24 घंटे सातों दिन तड़का लगा के, नशे में तो नहीं, फ्रॉम भूल भुलैया। ये जब से मुझको तू मिली है तब से है बड़ी हैरतें, तेरी आहटें क्यों जगा रही है मुझको सारी सारी रात, ले रही हूँ मैं करवटें, बादल बादल पे चलते पैदल नशे में मैं तो अभी तक नशे में हूँ दोस्तों। हाँ, नए साल का नशा और पता नहीं किस किस, बिल्कुल नशा मतलब उतर, और नशा ऐसा है कि अब आप तो इंस्टाग्राम पे भी चला गया आपका नशा। हाँ बिल्कुल, अभी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव गई हूँ, लाइव चल रहा है, देखिए
आप देख सकते हैं। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और मैं हूं आपके साथ आज मनी मनी के इंस्टाग्राम पे हैंडल पे जाइए, इट्स कॉल्ड इट्स ठाकुर मनी, ठाकुर पहले मनी बाद में yes, तो आज ये स्वैग है ठाकुर का, आज मनी नहीं और ठकुराइन बैठी है। जी 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 बिल्कुल, इसको लोग ठकुराइन भी बोलते हैं। तो अभी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव हुई हूँ, मैंने सोचा थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे दूं। सो हेलो एवरीबॉडी ऑन इंस्टाग्राम, एंड अभी हम बात कर रहे हैं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया, रेडियो प्रोग्राम करने आ रहे हैं पहले इंस्टाग्राम पे और फेसबुक ऑन करके रखा है आजकल की जनरेशन। और मेरे लेफ्ट साइड पे मैं अपना लाइव हुई हूँ और राइट साइड पे मनीष जी अपने फोन से लाइव हो रखे हैं। लाइव नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। तो आजकल की जनरेशन, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आजकल की वाई जनरेशन इज वाई। यस तो मैं थोड़ा यंग फील कर रही हूँ आज की जनरेशन। हम तो एक्स वाले हैं जी। सो दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24 घंटे सातों दिन तड़का लगाकर, और आज हम बात कर रहे हैं बेस्ट ऑफ फिल्मों 2022 की, जो हमारी मूवीज थी और सॉन्ग्स थे 2022 के। आपको आपके जो भी फेवरेट है प्लीज हमें बताइए। आप हमें मैसेज कर सकते हैं 04218980086 पे गलत नंबर दे दिया मैंने। मनीष जी आप बताइए, टेक टू आप लीजिए 04218980095, नहीं तो फेसबुक पे पोस्ट डालिए। गलत नंबर क्या, मैंने यही 96 कुछ बोल दिया था आपने। अच्छा, कोई बात नहीं, ओके 95 एनीवे जो, लेकिन फेसबुक पे आप जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, कमेंट्स छोड़िए और आप जीत सकते हैं। जी हाँ, मूवी टिकट्स हैं हमारे पास आपको देने के लिए, आप वो जीत सकते हैं। हमारे पास इवेंट टिकट्स हैं, जैसे हमारे डीजे सनी लेकर आ रहे हैं एक बड़ा धमाकेदार एक और बॉलीवुड नाइट, एक और बॉलीवुड नाइट। सनी व्हाट्स गोइंग ऑन, 20 जनवरी को करें हम कितनी पार्टी। पार्टी से अभी उनका मन नहीं भरा, ना दिल भरा है, ना यहाँ के कैनबरा वालों का भरा है। वो कहते हैं कि हॉट एंड हैपनिंग है नहीं कैनबरा, लेकिन आजकल के डीजे सनी हमारे लड्डू पाजी है, हमारे आरजे मनी है, हमारी गैंजी सीबीआर है। आज आप हमें कहीं भी पा सकते हैं। सो सनी अभी बॉलीवुड नाइट लेके आ रहे हैं अगेन 20th of January में, अगर आप कैनबरा में है 20th January को तो जरूर जाइए वहाँ पार्टी पे। और अब हम बात करेंगे अपने अगले वर्डिक्ट की, लेकिन That is, जो हमारी नेक्स्ट मूवीज और पार्टीज और वो सब चल रही हैं अभी, उस बारे में बात करेंगे। एक गाना हो जाए, लिसनर्स आपको गाना चाहिए कि और आपको गॉसिप चाहिए? नहीं, गॉसिप करने के लिए पहले गाना बनता है, क्योंकि गाने सुनने के लिए लोग ट्यून इन करते हैं। नहीं, मेरे को सुनने के लिए ट्यून इन करते हैं, ऐसे मत बोलो प्लीज। मेरे को सुनते हैं लिसनर्स। सो जी मैं निकलूं यहां से, टाटा बाय बाय। नहीं सर ऐसे आपको मत मैं मिलूंगा 5th एवेन्यू पर। बिल्कुल नहीं सर ऐसे मत बोलिए, लेकिन दरवाजा उधर है आप जा सकते हैं। ये तो बड़ा अच्छा आपने क्या कहते हैं एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला जोक मारा। मैंने जो न्यू ईयर की शुरुआत की है ना पॉजिटिविटी से, ये पॉजिटिव वाइब्स मेरी आ रही है। श्रोताओ आप आरजे मनी इज ऑन द चैटरबॉक्स, मैं पैराशूट लेकर कूदने वाला हूँ यहाँ से। यस, मेरा सफर ये समाप्त होता है और इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। अच्छा, सो लिसनर्स आपके लिए अगला गाना, कौन सा गाना है अगला हमारा? आप बताइए आपके पास कंट्रोल है सारा सर। मेनू आप मेरे को पायलट हैं। अच्छा, सो आप मुझे कमांड दीजिए। जूबी डूबी पंपा वाला नहीं है, जूबी हमारे टाइम का गाना है, जनरेशन एक्स का गाना है, 90s का गाना है, नाजी हसन का गाना है, एंड थोड़ा रिमिक्स थोड़ा रिक्रिएट किया गया इस गाने को। जी हाँ, ये आजकल का पार्टी मिक्स रिमिक्स है और आपके हॉट एंड हैपनिंग पार्टी के लिए एकदम फिट बैठता है। सो अभी जो पार्टीज के लिए तैयार हो रहे हैं उनके लिए ये प्यारा सा गाना, और आपको मिलते हैं गाने के बाद। मस्ती में गाए जा, लग रही सुनते रहिए रेडियो मनपसंद आज के मनी एंड मनीष के साथ तड़का लगा के। जा जू 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 जू
मजे के सहारे हमें है इश्क की ये गलतियाँ कुछ भी हमारे बस में नहीं बेहोशियाँ छाने लगी है नशे में जो ये रात डूबी मेरे दिल गाए जा जुबी 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 मस्ती में गाए जा जुबी 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 मेरे दिल गाए जा जुबी 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 मस्ती में गाए जा जुबी 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 सो ये गाना एक्चुअली में आरजे मनीष के टाइम का था ओए मिथुन चक्रवर्ती थे ना उसमें डिस्को डांसर का है शायद डिस्को डांसर में आया था मुझे गूगल करना पड़ेगा बिल्कुल लेकिन ये गाना मेरे टाइम का था नॉस्टैल्जिक गाना एकदम उसी दुनिया में ले जाता है जब हम भी ऐसे कॉलेज जब हम जवान हो अब जवानी में मत जाइए नहीं तो अभी सारी गर्लफ्रेंड्स मेरे सामने आ जाएंगी उनकी चलिए अब बात कर रहे हैं जी हाँ प्लान फॉर द न्यू ईयर आप सब लोग ने अपने रेजोल्यूशंस बनाने शुरू कर दिए होंगे कि क्या करने वाले हैं लेकिन कुछ लोग तो शादी करने के मूड में आ गए हैं और शादियां हो रही हैं शादी का सीजन चल रहा है yes. और शादी में सबसे बड़ी जो हॉट एंड हैपनिंग शादी होने वाली है बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो है कियारा एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा ये अभी कंफर्म है या रूमर्स कंफर्मड है चार और पांच को शायद ये आरजे मनीष के जो खुफिया सूत्रों से जो खुफिया सोर्स और जो इनके सूत्र है ना उन्होंने बताया कि शादी कंफर्म है 6 फरवरी को आपको इनवाइट किया है हाँ बिल्कुल हम मैं मीडिया पास मिल चुका है आपको चलेंगे बिल्कुल बिल्कुल हाँ, इंडिया जाना है एनी डे एनी टाइम चलिए मैं मीडिया पास के लिए बहुत सारे लंबी लाइन लगी हुई है और हमें मैं आपको थोड़ी अभी मैं आपको ब्राइब देने वाली हूँ अच्छा। मुझे मीडिया पास दिया जाए और शादी में उनकी शादी में आप लोग को शादी में जरूर आना है कियारा एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा की आपको क्या पसंद आती है उनकी पेयरिंग मतलब इज ओके मुझे उनकी बड़े शेरशाह में तो अच्छी थी नो डाउट हाँ शेरशाह से ही तो शुरू हुआ उनका yes. शेर और शाह का जो Yes. तो वहीं से ये कॉम्बिनेशन शुरू हुआ क्योंकि कियारा आडवाणी थोड़ी सी रिजर्व लगती है जब अभी कपिल शर्मा के शो में थी आपको पता है ना वो 9 बजे पार्टी में जाती नहीं है वो 9 बजे सो जाती हैं वो हर पार्टी में दिखती हैं दिखती हैं हर पार्टी में उन्होंने कहा वो पार्टी पे नहीं जाती हैं रात को 9 बजे सो जाती है लेकिन उनकी हर पार्टी में पिक्चर्स आती हैं हर पार्टी की वीडियोज आती हैं हर दिवाली पार्टी पे वो थी तो सारी पार्टीज ऐसे कैसे हो सकता पता नहीं एनीवे तो पार्टी तो उनकी चल रही है और आई थिंक और कोई गॉसिप तो ऐसे कुछ है नहीं कि किसी का शादी का ऐसा चक्कर चल रहा है लेकिन अब बात करते हैं एक्ट्रेसेस में कियारा आडवाणी भी कंटेंडर है फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर 2022 जिसमें भूल भुलैया में दिखी yes. और जुग 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 जियो में भी थी और गोविंदा नाम मेरा हाँ, वो मूवी में कैसे वो भार वाली बनी थी घरवाली नहीं बनी थी घरवाली इट वाज अ मूवी विद अ ट्विस्ट आपने देखी यस मैंने देखी अभी रिसेंटली अच्छा, आपको मुझे पसंद आई मुझे विकी कौशल की कोई भी मूवी अच्छी अच्छा मतलब आप विकी कौशल पे नजर थी मूवी गई तेल लेने मैंने कियारा और भूमि को तो बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी बिकॉज़ आई वाज लुकिंग एट विकी कौशल लेकिन कियारा की जो इस साल में मूवीज आई हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्चुअली में हिट हुई हैं अच्छा चल रहा है उनका रिकॉर्ड कियारा का सो अभी आगे कियारा के आपको कियारा के सॉन्ग सुनने हैं या आपको सिद्धार्थ के सुनने हैं या विकी कौशल के मैं तो विकी के चलाऊंगी आप चला दी जो आपका मन करे नहीं अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी एक गाना है मेरे पास पंजाबी चला है कुछ मेनू मैया मेनू जर्सी नहीं मैं सोच रही हूँ पंजाबी का तड़का पंजाबी थोड़ा तड़का लगा रही है अच्छा क्या क्या कहते हैं आज आरजे मनी है तो पंजाबी तड़का तो बिल्कुल जब मैं होती हूँ तो पंजाबी तड़का लगता ही लगता है और लिसनर्स जो कैनबरा में जो नॉन पंजाबी है प्लीज अभी इंजॉय कीजिए आपके पास अभी ऑप्शन नहीं है मैंने प्ले कर देना अभी और फिर उसके बाद हम चलाएंगे आपके लिए और हिंदी ट्रैक्स वो कहते हैं ना कि शो के मिड में एक पंजाबी गाना होना चाहिए कोई भी बॉलीवुड मूवी बिना पंजाबी गाने के हिट नहीं होती है तो रेडियो 1% ट्यूजडे शाम को 7 से 8 बिना पंजाबी तड़के के क्या बात है? कैसे चल सकता है चल रहा है वही आरजे मनी एंड पंजाबियों ने टेक ओवर कर लिया है यस आई विश हम टेक ओवर करें क्या लेकिन हमने टेक ओवर किया नहीं है मेरे साथ जो बनारसी बाबू है वो टेक ओवर करने नहीं देंगे
वाह वाह वाह, शादी वाला गाना लग रहा है या कियारा शादी की बात हुई ना सिद्ध कियारा की, सिद्ध मल्होत्रा के ऐसा लग रहा है शादी हो रही है। बिल्कुल, तो शादी की बात हुई तो मैंने कहा कुछ ढोल धमाका शादी वाला प्ले किया जाए। दोस्तों सुनते रहिए रेडियो मन पसंद अपने आरजे मनी और मनीष के साथ। काली तेरी गुत ते पर आंदा तेरा लाल नी। प्लीज एक्सप्लेन इन सिंपल सरल भाषा। काली गुत मतलब जो चोटी, चोटी पर आंदा, गुत मींस जो जो चोटी होती है, चोटी को बोलते हैं, चोटी को जो तीन नॉट में बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं, परंदा नहीं, वो गुत होती है, परांदा जो हम साइड नीचे लगाते हैं वो उसके साथ। ऐसे आप बता रही हैं, कोई देख नहीं रहा है। मैं आपको दिखा रही हूँ। मतलब मनी के ना एक्सप्रेशंस और जो स्टाइल में जो कर रही है ना, ऐसा लग रहा है मिरर के सामने खड़ी है और तैयार हो रही है। हाँ, तो मैं बता पूरी पंजाबी कुड़ी की तरह एकदम ना, पंजाबी ने पूरी है 100% अंदर भरा हुआ है पंजाबी पढ़ा ऐसे ऐसे कूट कूट के भरा है, कुट कुट के भरा है। अच्छा परे हुए। अभी हम बात कर रहे हैं तेरी कुत दे परांदा तेरा लाल, परिंदा आपका लाल, परिंदा नहीं परांदा, परांदा परांदा तेरा लाल। काश मेरे जीवन में कोई पंजाबी होती तो मिली नहीं कोई। आप मुझे अडॉप्ट कर लो। अच्छा। गोल लो। गोल। मैं आपको पूरा पंजाबी बना दूंगी। लाइन बहुत लंबी है अडॉप्ट करने वालों में। ओए होए। आप बहुत पीछे हैं। नहीं अभी तो मैं बिल्कुल सबसे पहले मैं ही हूं। आपका रिज्यूमे और पहले रेफरी रिपोर्ट देखना पड़ेगा तब। देखो इतना हम इंतजार करने वालों में से नहीं है। डन, so, डन, अभी डन। अभी हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की और एक्ट्रेसेस की, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो एक जो अभी एक सीरियस इंसिडेंट हुआ है लास्ट एक दो दिन में जो हमारे इंडियन क्रिकेटर के साथ हुआ। बिल्कुल, दैट वाज लाइक मेरे को लगा कि वो शायद, हाँ वो ट्रेजिक, वो देखने के बाद मैं लिसनर्स को बता दूं हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की, जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर हैं और वो वर्ल्ड कप में विकेट कीपर हैं, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया भी आए थे, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और वो अभी रिसेंटली उनका रुड़की से हैं, वो रुड़की जा रहे थे और उनका रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। जो वीडियोस बाहर आई हैं उसको देख के तो लगा कि आई डोंट नो हाउ ही सर्वाइव्ड। बिल्कुल सही कह रहे, मतलब गाड़ी को आग लगे, गाड़ी जल के खत्म हो गई, लेकिन हैट्स ऑफ टू दैट बस ड्राइवर जिसने हेल्प की थी, उसकी वीडियोज भी आई हैं बाहर और उस बस ड्राइवर की वीडियो आई है ऑनलाइन। अच्छा, वो मैंने नहीं देखी। उसने एक्सप्लेन किया है पूरा कि क्या हुआ कैसे हुआ, और बस ड्राइवर को नहीं पता था कि ये ऋषभ पंत कौन है। हाँ, क्योंकि वो क्रिकेट नहीं देखता था। तो बाकी बस का बहुत अच्छा काम करता था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही
भला इंसान था जिसने एक्चुअली जो क्रिकेट भी नहीं देखता था और अपनी जिंदगी जी रहा था, क्योंकि जो क्रिकेट और बॉलीवुड देखते ना उनकी जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। आपने एक ट्रेजिक स्टोरी को कॉमेडी बना दिया। नहीं, कहने का मतलब है कि देखो जो क्रिकेट नहीं देखता ना, क्रिकेट देख रहा होता ना, जो क्रिकेट देखने वाला था वो ऋषभ पंत देख के वीडियो बनाने लग जाता, फोटो सबने बनाई है वहाँ पे। वहाँ तो मेरे को एक और चीज वहाँ मैंने पढ़ा, जब पूरा इंसिडेंट सुना तो मैंने ये भी सुना की वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो उनका बैग लेके भाग गए। तो आई वुड लाइक टू से इंडियंस को कि जब आप कुछ ऐसा देखते हैं, अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का नुकसान मत करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो हमारा ट्रेंड हो गया फोन लेके हर जगह वीडियो बनाने का, अरे वीडियो बनाने से पहले ये तो देखो कि जिसकी आप वीडियो बना रहे हो वो किस हालत में है। बिल्कुल सही। तो मुझे वो बहुत बुरा लगता है। यहाँ भी अगर मुझे तो लगता है गवर्नमेंट को रूल निकाल, जो वीडियो बनाएगा उसी पे केस कर दो। उसी को जेल में डाल दो। उसी पे वो हमारे जो राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच में नहीं है, उस पे कितनी अच्छी कॉमेडी बनाते थे कि बाढ़ में कोई बह रहा है, डूब रहा है, उस पे जाके अपने मीडिया रिपोर्टर पर आपको कैसा लग रहा है भैया डूब रहा हूं, कैसा लगेगा। और सबसे क्लासिक तो वो था कि जो बम फटा और उसमें उसके पास गया तो बता आप जब आपको कैसा लगा जब वो बम फटा तो वो बंदा बोलता है राजू को, मतलब मीडिया रिपोर्टर का, मतलब भैया ऐसा था बॉम्ब मेरे पास आया और पूछने लगा मैं फटूं कि नहीं फटूं। मुझे कहते कहते भी इतनी हंसी आ रही है। राजू श्रीवास्तव वाज लाइक क्लासिक कॉमेडियन। उनकी जो उनके स्टेज शोज होते थे और द वे दे ही यूज्ड टू पोर्ट्रे थिंग्स ना, गजोधर भैया एंड ऑल, बिल्कुल। चलो बात करते हैं ऋषभ पंत की। हाँ, वी विश हिम गेट वेल सून, स्पीडी रिकवरी, और जल्दी से आप ठीक हों और वापस आएं। और अभी उनका जो सिटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, उसमें पता चला है कि कोई भी इंटरनल इंजरी नहीं है। सो ही जस्ट हैव द एक्सटर्नल इंजरी, जो कि रिकवर हो जाएं जल्दी से और फिर से वापस आएं। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा, ऋषभ पंत इतने सेलिब्रिटी हैं और उनके पास तो बेशुमार पैसा भी है, तो ये सेलिब्रिटीज अब ड्राइवर क्यों नहीं रखते, खुद क्यों ड्राइव करते और वो ओवर स्पीड पे और बोलते हैं कि वो थके हुए थे, नींद आ गई, और खुद बोल रहे हैं कि मैं व्हील पे सो गया, मतलब डोज्ड ऑफ हुआ। तो अब तो मैं यही कह रहा हूँ कि दे शुड हायर ड्राइवर, रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। और जब आपको गाड़ी पता खुद क्यों चला रहे हैं, इट्स वेरी रिस्की। आप दुबई से आए हो, घूम फिर के आए हो और रात को 1 बजे निकल रहे हो और आज सर्दी का टाइम है, आजकल धुंध होती है हर जगह, तो यस ड्राइवर होना चाहिए। बट अब ये किसी को हम बोल तो सकते नहीं है, लेकिन स्पीड पे भी रहते तो बहुत इतना ज्यादा नुकसान ना होता। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और बात कर रहे हैं क्रिकेट की, तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप भारत में होने वाला है अक्टूबर या नवंबर में, वन डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। एंड ये पहले होने वाला था फरवरी एंड मार्च में इस साल 2023 में, लेकिन कोविड के चलते इसको पोस्टपोन करके अक्टूबर एंड नवंबर में कर दिया। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं और या देश के बाहर हैं, इंडिया से बाहर हैं, तो प्लीज़ प्लान इन अक्टूबर एंड नवंबर इंडिया जाइए, वर्ल्ड कप इंजॉय कीजिए। और उसमें 20 प्रोबेबल सेलेक्ट हो गए हैं, जिसमें रोहित शर्मा कैप्टन हैं, ईशान किशन हैं, शुभम गिल हैं, धवन हैं, विराट कोहली हैं, सुरेश अय्यर हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, ऋषभ पंत है, और तब तक तो ठीक हो जाएंगे जब अक्टूबर के एल राहुल है, हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा है, संजू सैमसन है, वॉशिंगटन सुंदर हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, साथ में कुलदीप यादव हैं, चहल हैं, मोहम्मद शामी हैं, और मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह एंड भुवनेश्वर कुमार एंड उमरान मलिक। एंड बड़ा विचित्र लग रहा है कि रविंद्र जडेजा वापस आ रहे हैं। रविंद्र जडेजा तो आप मेरे ख्याल से उनकी बीवी पॉलिटिशियंस बन गई हैं, शी इज नाउ एन एमएलए इन गुजरात। पर मैं चाहती हूं, मुझे लगता है कि वो शायद वो बैग पकड़ के इंडियन टीम की जो सिलेक्शन है ना, वो इंडियन कम्युनिटी को, लोगों को देनी चाहिए। अच्छा, वो वोटिंग होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, फिर वहां तो फिर वो चल जाएगा ना, नेपोटिज्म शुरू हो जाएगा, फिर नेपोटिज्म शुरू हो जाएगा। वोटिंग होनी चाहिए कि किस किस को हम चाहते हैं। एनीवेज, अब चलिए गाना हो जाए, हम लोग टॉप 20 बॉलीवुड सॉन्ग्स के पायदान नंबर कौन से पे आगे पता नहीं, आरजे मनी अभी हम चल रहे हैं, कहीं चल रहे हैं। तो अभी हम जर्सी का गाना प्ले करेंगे। जर्सी में थे, दिखे थे शाहिद कपूर एंड साथ में थी एक नई बड़ी, उनका नाम भी ठाकुर है। ओए, यस, क्या नाम है उनका, मृणाल ठाकुर। हाँ, मृणाल ठाकुर आज दो ठाकुरों का पूरा राज है इंडस्ट्री पे। ठाकुर ने देखो फौज बनाई हुई है, मैं वो एक बीप बीप कर गया।
ठाकुर मृणाल ठाकुर और ठाकुर की अच्छी मूवी थी, ये रीमेक था साउथ की मूवी और ये का। ठाकुर क्रिकेट में भी ठाकुर है वो सिलेक्ट नहीं हुए। हाँ शार्दुल ठाकुर, शार्दुल ठाकुर क्यों नहीं सिलेक्ट हुए पता नहीं कि नेपोटिज्म। चलिए गाना लगा रहे जर्सी का, जर्सी वाज अ गुड मूवी, क्रिकेट के ऊपर ही बनी थी जी बिल्कुल। अभी हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो क्या बात है, देखा हो जाए एकदम, क्या कनेक्शन बिठाया आपने, बिल्कुल बिल्कुल। जर्सी मूवी लगे रही है तड़का लगा के। आरजे मनी आपके साथ और आप सुन रहे हैं रेडियो मन पसंद। हम चला रहे हैं बेस्ट ऑफ 2022। अगर आपके पास कुछ सजेशन और आप बताना चाहते हैं कि आपके हिसाब से कौन सी अच्छी मूवी थी, एक्ट्रेस एक्टर जो भी आपको पसंद है जरूर हमें बताइए, हमें मैसेज कीजिए 04218980955 पे या हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज कीजिए रेडियो मनपसंद, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या हमें ईमेल कीजिए tadka@radiomanpasand.com। जी मेरे साथ हैं आरजे मनीष आज स्टूडियो में और आज हम एक्चुअली में हर ट्यूसडे बहुत मस्ती करते हैं, बहुत फन करते हैं। हमारे को हमारा शो, हमें ऐसे लगता है कि हम सिर्फ गप्पे मार के सबके साथ चले गए हैं। गप्पे करने वाली यही है नहीं तो हम लोग शांतिपूर्वक पहले करते थे, 6 महीने से जब से आई है तब से गप्पे ज्यादा शुरू हो गई है, तब से ज्यादा फन लविंग हो गया, पहले बहुत सीरियस था। ये बात भी सही है, बनारसी बाबू बहुत सीरियस थे, अभी तो थोड़ा फन लविंग हो गया। ये बात है। और हमारे लिसनर्स अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं आप तो आप कॉल कर सकते हैं उसी नंबर पे और हमारे साथ 6287-4347 अगर आप कैनबरा में हैं, और अगर कैनबरा के बाहर है ऑस्ट्रेलिया में तो O2 लगाइए
02-6287-4347 आपका स्टूडियो का नंबर है आप मैं तो आपका नंबर दे रही थी और मेरा नंबर तो और कंफ्यूज कर दिया वर्ल्ड फेमस नंबर है जी आरजे मनीष 04218980 95 व्हाट्सएप टेक्स्ट जो भी आप इनको कॉल कीजिए हम आपको ऑनलाइन लेंगे लाइव लेंगे और आपसे भी जानेंगे आप आपके पसंदीदा गाने कौन कौन से जी हाँ पिक्चरों की बात हमने लास्ट टाइम की थी तो ब्रह्मास्त्र नंबर वन पे चल रही है 431 करोड़ कमा चुकी कश्मीर फाइल्स ने 340 करोड़ कमाए तो हम पैसों के हिसाब से देख रहे हैं हाँ और दृश्यम 2 थर्ड पे है 335 करोड़ पे तो दृश्यम की बात करें तो दृश्यम में तबू नजर आई 2022 में एंड वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस 2 अक्टूबर आश्रम में गए थे हाँ, पाव भाजी तो, खाई थी शी इज अ कंटेंडर फॉर अनदर अवार्ड फिल्म फेयर या जी सिने अवार्ड्स दीपिका पादुकोण आई जो कि दीपिका पादुकोण अभी कैमियो में आ रही हैं पठान में लेकिन पिछले साल में गहराइयों में नजर आई वो तो बहुत गहराइयों से डूब गई ना डूब गई बिल्कुल डूबे डूबे जी हाँ और वो भी एक सिद्धांत यंग बंदे के साथ साथ में भूमि पेडनेकर जी हाँ दो मूवीज तीन मूवीज में देखी बधाई दो रक्षा बंधन और गोविंदा नाम मेरा और तीनों ही पिक्चर ठीक ठाक मुझे लगता है अगर ये मूवीज के उसके हिसाब से देखा जाए कि किस मूवी ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया तो कियारा वाज मोर प्रॉफिटेबल भूल भुलैया एंड जुग जुग जियो एंड गोविंदा नाम मेरा कियारा ज्यादा प्रॉफिटेबल रही है लास्ट कैटरीना कैफ जी हाँ मिस्टर मिसेस कैटरीना कौशल कौशल अच्छा कैटरीना कैफ कौशल ट्रिपल के फोन भूत में नजर आई फोन भूत में बड़ी बड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी लेकिन बड़ी बड़ी कहते हैं ना आजकल जैसे स्त्री आई थी एक हॉरर कॉमेडी पे तो सी थी परिणीति चोपड़ा नजर आई कोड नेम तिरंगा में और साथ में ऊंचाई में कोड नेम तिरंगा उतनी खास चली नहीं ऊंचाई में उनका थोड़ा साइड रोल था आई थिंक बाकी जो चार हमारे जो यंग लोग थे वो पूरा क्या कहते हैं लाइमलाइट ले गए तापसी पन्नू जी हाँ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस लूप लपेटा में नजर आई और उसके बाद नजर आई शाबाश मिट्ठू में दोबारा में तड़का में ब्लर में मतलब उनकी एक नहीं पांच पांच मूवीज आई शी इज लाइक अक्षय कुमार ऑफ बॉलीवुड पर बिजनेस कितना किया कुछ नहीं किया किसी ने किया क्योंकि उन्होंने कुछ तापसी जी ने कुछ ज्यादा सीरियसली ऑडियंस को बोल दिया था कि हमारी मूवी बॉयकॉट करो सही बात है तो उस चीज को ऑडियंस ने बहुत ही सीरियसली ले लिया कि चलो बॉयकॉट ही कर देते हैं एब्सोल्युटली और बस और भी बातें हैं जी काजोल नजर आई सलाम वैंकी में आपने देखी नहीं देखी आई थिंक ओटीटी पे OTT पे आई एम नॉट श्योर कौन से OTT पे है लेकिन रिव्यूज अच्छे आए थे उस मूवी के कंगना रनौत खाली एक मूवी में नजर आई वो थी धाकड़ करीना कपूर नजर आई लाल सिंह चड्ढा में वो भी नहीं चली माधुरी दीक्षित एक मूवी में आई मजा माँ एंड उसके बाद आलिया भट्ट जी हाँ नजर आई गंगूबाई डार्लिंग्स में नजर आई डार्लिंग्स में खतरनाक उसने एक्टिंग की थी उनको देखकर डर लग रहा था साथ में गंगूबाई शेफाली शाह तो मुझे देख के ऐसे लगता है जैसे वो किसी का मर्डर करने वाली है लेकिन शेफाली शाह जो एक्ट्रेस हैं उसका कोई वो कोई तोड़ नहीं अभी तक उनकी बात सही है पर आलिया भट्ट उसके बाद आई ब्रह्मास्त्र में शिवा बड़ी फैन हो गई है हमारी आरजे मनी आलिया भट्ट की फैन हो गई शिवा की फैन है तो चलिए अब माधुरी दीक्षित हो गई माजा माँ रकुलप्रीत सिंह आई अटैक में रनवे 34 में कठपुतली में डॉक्टर जी में थैंक गॉड में तो रकुलप्रीत एंड तापसी पन्नू पांच पांच मूवीज में दिखाई दी बड़ा उनका नेपोटिज्म बड़ा अच्छा है रकुलप्रीत सिंह का जुगाड़ लगा लेती कुछ, है कुछ कहना नहीं चाहेंगे लेकिन हमने सब कुछ कह दिया कि उनकी कंपनी अच्छी है कृति सनन ने जनाई बच्चन पांडे में भेड़िया में जी हाँ और दोनों में भेड़िया तो ठीक ठाक चली आई थिंक भेड़िया वॉज ओके राधिका आप्टे नजर आई फॉरेंसिक में और विक्रम वेधा में और मोनिका ओ माई डार्लिंग में जानवी कपूर जी हाँ जानवी कपूर भी उभरती हुई एक्ट्रेस हैं और गुड लक जेरी में और साथ में मिली वॉज ए फ्रोजन में वो देखी नहीं मैंने काफी उसका बड़ा अच्छा क्या कहते हैं प्रमोशन हो रहा था लेकिन मैंने देखी नहीं गुड लक जेरी का भी प्रमोशन अच्छा हुआ था
और वानी कपूर जी हाँ वो भी उभरती हुई नायिका है, लेकिन वानी कपूर को इस बार शमशेरा में देखा, लेकिन शमशेरा ऑन दे मूवी आई थी चंडीगढ़ करे आशिकी। हाँ यू आर राइट, चंडीगढ़ आशिकी जिसमें आयुष्मान खुराना थे जी, जो बहुत ही डिफरेंट मूवी थी, ट्रांसजेंडर पे थी जी, तो वानी कपूर ने ट्रांसजेंडर का प्ले किया था। तो ये थे सारे एक्टर एक्ट्रेसेस, एक्टर्स हमने लास्ट टाइम बात की थी कि एक्टर्स में तो सबसे टॉप पर मेरे ख्याल से जो रहेंगे या तो अमिताभ बच्चन रहेंगे या नहीं तो रणबीर कपूर है अपने ब्रह्मास्त्र के एक्टिंग को लेकर। अक्षय कुमार का तो पता साफ लग रहा है इस बार जी हाँ, राजकुमार राव या नहीं तो ऋषि कपूर भी ले जा सकते हैं शर्मा जी नमकीन के लिए मे बी। चलो अभी हमारा नशा जो 22 का है, अजय देवगन फ्रॉम दृश्यम 2। सो अभी हमारा जो 22 का नशा उतरा नहीं है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम ये नशा उतार कर 23 का नया नशा लेके जाएं। तो नशे की बात हुई तो चलिए एक गाना सुनाते हैं। गाना भी वैसे ही लग रहा है, गाना भी बिल्कुल नशे, आप गा के सुनाइएला, मैं मेरी आवाज अच्छी होती जेड़ा नशा नशा मेरी आवाज इतनी अच्छी है कि मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। नशे में तो नहीं जी, चलिए देखिए ये है मेरे साथ पायदान नंबर 12 जी हाँ, एंजॉय कीजिए नशेला नशीला गाना। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਨਾਇਓ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ बस जावे तेनू जेड़ा नशा नशा तेरी अखां विचों आवे मैनू मैं वेखिया बड़ा नायो लखां विचों आवे मैनू इसका भी हिंदी रूपांतर कीजिए सरल भाषा में कि जो नशा मेरे को तेरी आंखों से मिलता है वो लाखों में से नहीं मिलता है। वाह क्या मीनिंगफुल, और मैंने कैसे बिल्कुल स्ट्रेट बोल दिया, स्ट्रेट बोल दिया लेकिन क्या लोग फॉलो करते हैं ऐसा? ये गाना तो बहुत ही नहीं, गाना नहीं ये इसका मीनिंग जो आपने बोल तो दिया लेकिन आप गुरु मनी है, काल्पनिक है
ये सब बातें काल्पनिक है, ये जो म्यूचुअल फंड्स के नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, बिल्कुल ये जो गाने आते हैं, ये जो रोमांटिक गाने और लवी डवी, ये सब मेरे लिए काल्पनिक लगता है, मुझे ये सिर्फ काल्पनिक है। और अब हम चलते हैं काल्पनिक दुनिया से बाहर निकल के असली दुनिया में आते हैं, असली दुनिया में आते हैं। और हमने 2023 शुरू कर दिया है, और हमारे साथ जब हम साल शुरुआत करते हैं तो हम इंडिया में होते तो मतलब साल में हम काउंट करना शुरू कर देते कितनी पब्लिक हॉलीडेज आने वाली है। अच्छा। इतनी पब्लिक हॉलीडेज होती है यहाँ, वो चीज हमें यहाँ पे नहीं है, लेकिन इंडिया में तो हर महीने कुछ ना कुछ होता है। और यहाँ पब्लिक हॉलीडे अगर संडे या सैटरडे को पड़ रहा है तो एक्स्ट्रा मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है। इंडिया में नहीं मिलता, इंडिया में नहीं मिलता, लेकिन इंडिया में हर महीने पब्लिक हॉलीडे होती है। ये बात तो सही, अभी जनवरी में शुरू हो जाता है, फेस्टिवल्स इतने सारे हैं, पब्लिक हॉलीडेज की भरमार हो जाती है। आई थिंक 20 होंगे यहाँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया में 10 हैं पब्लिक हॉलीडेज, हमारे ज्यादा ही होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि हमारे सेंटर की अलग छुट्टी होती है, इंडिया में स्टेट की अलग छुट्टी होती है, तो वो सब तो चलिए अभी बात करते हैं। फेस्टिवल्स की शुरुआत हो गई है, क्रिसमस गया और अब आ रहा है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति और 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे भी, और ऑस्ट्रेलिया डे और लोहड़ी, कैसे बोल सकते, लोहड़ी सेलिब्रेट। लोहड़ी के पीछे तो बहुत ही हिस्टोरिकल स्टोरी है, जो मैं अभी मतलब मैं इतनी कंफर्म नहीं है तो मैं इतना बोलना नहीं चाहती हूँ कि फर्स्ट विंटर फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट, यस, और उसमें शायद जो नए नवेले दूल्हा दुल्हन होते हैं उनकी शायद, आई थिंक ये इट्स लाइक ए मीटिंग एंड ग्रीटिंग विद द नेबरहुड अलोंग विद द, मैं तो कहता हूँ बॉनफायर है, बॉनफायर वैसे होता है, एक बॉनफायर थिंग होती है, बारबेक्यू बॉनफायर होता है, मूंगफली और रेवड़ी का बारबेक्यू होता है। लेकिन इसमें एक हिस्टोरिकल थिंग है, कोई तो मुगल एम्परर के टाइम पीक स्टोरी है, अच्छा, कुछ ये भी so, है। yes, कुछ मुगल एम्परर के टाइम पीक टाइम मुगल एम्पायर के टाइम के कोई स्टोरी है, यस yes. तो वो मैं इसलिए क्योंकि मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ तो मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ मुगल एरा में कोई तो था, कोई पंजाबी था जिसको किसी हेरोइक एक्ट के लिए कुछ ऐसा था, दुल्ला भट्टी, यस दुल्ला भट्टी, हु वाज पॉपुलर फिगर मुगल एरा में, जी लोकल हीरो था। तो कोई सुन रहे हैं, कोई हमारे पंजाबी भाई बहन सुन रहे हैं और उनको कहानी पता है तो प्लीज हमें बताएं, हाँ, और लाइव बात करें, नहीं तो अगले प्रोग्राम में, अभी का तो 10 मिनट बचे हैं, अगर फोन करना चाहें तो 0421 अगले प्रोग्राम में हमें बताइए, और जरूर मैं भी, तो मैं कहानी लिख के भेज दीजिए या लिंक भेज दीजिए तो हम उसको पढ़ देंगे। जी लिंक नहीं, अगर खुद कोई बताए ना तो ज्यादा अच्छा। तो इस संडे को भी हम मनी एंड मनीष आ रहे हैं लाइव प्रोग्राम करने, लोहड़ी की बात कर सकते हैं, जी बिल्कुल, क्यों नहीं, इस कहानी को थोड़ा सा उस पर विचार मंथन किया जाए कि इस, क्योंकि हर किसी फेस्टिवल, हर किसी हमारे कल्चर के जो भी इतने सारे हैं रीत रिवाज, उस पे कोई ना कोई कहानी होती है, चाहे इतिहास पता चले, लोग कहें कि कैसी पंजाबी है, इसको अपने फेस्टिवल में पता है। जरूरी नहीं है, मुझे खुद, हम लोग हिंदूज हैं या सिख हैं या कुछ, लेकिन बहुत सारे फेस्टिवल्स हम मनाते आ रहे हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने और दादा दादी मनाते आ रहे हैं, हम आधी चीज तो हमें पता ही नहीं होती, और हम वही चीज देख के सोचते हैं कि शायद यही रिचुअल है, जबकि वो एक तरह से एक उनके, जैसे हम अभी बॉनफायर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सब कहते हैं अच्छा आग बॉनफायर लगानी है, रेवड़ी गच्चा खानी है, लेकिन हिस्ट्री किसी को नहीं पता, और लोहड़ी का गाना भी है, सो मेरे को थोड़ा सा ही आता है, ज्यादा नहीं आता है, वो लोहड़ी वो कहते हैं वो गाना गा के लोहड़ी मांगते हैं, अच्छा ऐसे नहीं मिलती है, इट्स लाइक सुंदर मुंदर ये हो तेरा कौन बेचारा हो दूल्हा भट्टी वाला हो, आगे मैं बाद में बताऊंगी, वाह दूल्हा भट्टी वाला, वही आगे भट्टी वाला हो दूल्हा भट्टी टीवीआई हो, ये वही दूल्हा भट्टी मुगल एरा वाला हीरो जो था उसका नाम आ गया। अगर मैं किसी को भी पूछूंगी ना इंडिया में जाके भी, आई डोंट थिंक सो लोगों को पता होगा कि ये दूल्हा भट्टी की स्टोरी क्या है इसके, बिल्कुल सही बात। तो अगर कोई यहाँ पे है, यहाँ पे आई एम श्योर जो इंडिया से बाहर है इंडियंस, वो ज्यादा इंडियंस है देन इंडिया के इंडिया अंदर वाले, वेरी गुड। तो मकर संक्रांति के लिए हो जाइए जी, पतंग उड़ाने का टाइम आ गया है, तो आपके कैनबरा शहर में 15 तारीख को भी पतंग उड़ रही है और 22 तारीख को भी पतंग उड़ रही है, दो दिन पतंगबाजी का प्रोग्राम है जी, हाँ 22 तारीख जा रहे हैं, हाँ हम दोनों दिन जाएंगे पतंग उड़ाएंगे, पतंग उड़ाएंगे नहीं पेंच काटेंगे, पेंच लड़ाएंगे और पेंच काटेंगे, वो काटने में जो मजा है, जो लूटने में जो मजा है ना, मुझे ज्यादा वो उसमें अच्छा लगता था, बनारस में तो बहुत पतंगें उड़ाई हैं और इतनी कभी नहीं उड़ाई और काटी भी है, लेकिन जो लूटने में जो भाग, चाहे वो 10 पैसे या 15 पैसे या 20 पैसे की पतंग होती थी, लेकिन लूटने में जो 20 पैसे का जो मजा आता था ना, खरीद भी सकते थे लेकिन लूटने का जो मजा था, और पर फट जाती थी और जो लड़ाई पिटाई में, और फिर कन्नी बांधना और उसको पेंच देना और लटाई में, मेरे लिए एलियन लैंग्वेज है, मैंने कभी, आपने पतंग नहीं उड़ाई, नहीं हो जाए आपको पतंग उड़ाने ले चलते हैं, जी ठीक है, ये हुई ना बात, आपको पतंग उड़ाना सिखाते हैं, और पतंग के मांझे में कांच लगा के हम पतंग उड़ाते थे जिससे कि दूसरों का मांझा काटा जा सके, और हमारे हाथ भी कट जाते थे इस चक्कर में, जी जी, तो बहुत बहुत मेहनत की है, बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत हमने, चलो इस बार जो फ्लाइंग काइट कांटों पे चढ़े, फ्लाइंग काइट फेस्टिवल हो रहा है,
उसमें भी चलिए आरजे मनी विल बी देयर एंड विल डू फेसबुक लाइव फ्रॉम देयर. चलिए यस आप इसी फेस्टिवल्स पे कुछ धड़कता भड़कता नाचने वाला गाना हो जाए. चलिए तो मैं नाचने वाला तड़कता भड़कता गाना चलाती हूँ और जो नाच रही हैं वो है हमारी देश क्या दुनिया में सबसे फेमस कौन एक्ट्रेस. ओए होए धक धक गर्ल. यस वन ऑफ माय फेवरेट लगा. ओए होए एक दो तीन ओए होए चार पांच छह सात आठ नौ घाघरा गला गई. चलिए आप सुनते रहिए रेडियो मन बूम पाड़ी फ्रॉम द मूवी मजा मार. देखो जरा देखो चांद भी है आया झूमने आया मस्ती में गोल गोल घूमने की आज रंग झट है रंगत है सखियों की संगत है मन में हर खाना मायो जल से की आई रात रंगीला गीला मारा नाच. वाह वाह केम छो सब मजामा. जी हाँ भानु मूवी मजामा माधुरी दीक्षित की बड़ी अच्छी मूवी थी. OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स में है अगर आप जाके देख सकते हैं. आई थिंक पिक्चर बड़ी अच्छी है. डिफरेंट है थोड़ी देर डिफरेंट है. चलिए कार्यक्रम का जी हाँ समय ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर है और 8 बजने वाले हैं कैनबरा में और बस हम निकलने वाले हैं और आप सब लोग भी अपने न्यू ईयर मनाते रहिए. अभी भी मना रहे हैं पार्टियां चल रही हैं. बिल्कुल ऑफिसेज खुल गए हैं. स्कूल तो नहीं खुले हैं लेकिन ऑफिसेज खुल गए लेकिन लोगों की पार्टियां चल रही हैं. लोग घूमने घामने निकल न्यू ईयर मनाते रहिए. रेजोल्यूशन तोड़ते रहिए. अच्छा रेजोल्यूशन रखो ही मत. क्या रेजोल्यूशन रखना है. रेजोल्यूशन जैसे जी रहे हो मस्ती में जियो खाओ पियो ऐश करो. देखो रेजोल्यूशंस एंड प्रॉमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन. नॉट प्रॉमिसेस आई वुड से रूल्स एंड रेजोल्यूशंस आर मेंट टू बी ब्रोकन. लेकिन हम प्रॉमिस ये करते हैं कि आपसे आप रविवार की सुबह 10 बजे मिलेंगे 11 बजे आरजे मनीष आएंगे फिर नए तड़के के साथ नए प्रोग्राम के साथ. क्या तड़का होगा क्या मसाला होगा क्या स्पाइस होगा क्या पंजाबी का तड़का भी लगेगा थोड़ा नहीं सा? मैं पंजाबी का तड़का कम लगाऊंगी फिर बोलूंगी कि अरे ये क्या पंजाबी हाँ, चलाती रहती है. जाते जाते जी हाँ बस आज हमने टॉप 20 बॉलीवुड सॉन्ग्स का हम आ गए हैं पायदान नंबर 11 पे और अगले मंगलवार को टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ 2022 सुनाएंगे. तो चलिए जाते जाते कुछ हो जाए. जी बिल्कुल क्या सुनना चाहेंगे. वैसे तो बोलते हैं कि नए साल में कुछ अच्छे अच्छे शब्द यूज करने चाहिए लेकिन ये पिक्चर का नाम ही ऐसा है निकम्मा. और भी निकम्मी ही और उससे ज्यादा खतरनाक है जो एक नई मूवी आ रही है जो मेरे ख्याल से 13 तारीख को रिलीज हो रही है 13 जनवरी को. उसका नाम है कुत्ते. मतलब कैसे कैसे नाम है आप बोलने में भी अगर मैं बोलूंगा ना क्या देखने जा रहा कुत्ते देखने जा रहा. कौन सी मूवी आ रही है कुत्ते. आजकल तो गाली हो चलिए गाली हो. निकम्मा मूवी निकम्मा ही निकम्मी ही थी. अच्छा तो इसका एक निकम्मा सा गाना. लेकिन इसमें थी शिल्पा शेट्टी और भाग्यश्री का बेटा ने डेब्यू किया था.
डेब्यू पहले कर चुके हैं। अच्छा, कर चुके हैं। हाँ हाँ, डेब्यू पहले कर चुके हैं। तो अभी निकम्मा का एक निकम्मा सा गाना प्ले करते हैं आपके हुए, हम आपसे निकलते हैं जी, और लेते हैं विदा और मिलेंगे जी रविवार की सुबह 10 से 12 बजे तक, और उसके बाद बीच में आप लगे रहिए जी रेडियो मनपसंद का मोबाइल ऐप पे, आप 24/7 गाने सुन सकते हैं जी, नए पुराने, और हम 10 बजे से 11 बजे रोज वीकडेज में आपसे लाइव मिलते हैं ऑस्ट्रेलियन टाइम में। और अगर आप प्रोग्राम मिस कर दिया तो जल्दी यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं ये प्रोग्राम आरजे मनी, आरजे मनीष, और इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं रेडियो मनपसंद के, और साथ में इट्स ठाकुर मनी पे वहाँ जाके भी आप हमें लाइव पकड़ सकते हैं। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, अपने सजेशंस, अपने आइडियाज हमें भेजते रहिए जी। आप सबसे मिलते हैं रविवार को। गुड नाइट, शब खैर, हैव अ लवली वीक, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। पहली नजर में ही मैं हिल गया, ढूंढा था जिसको मुझे मिल गया। पूछना।